निफ्टी का पहले हम लोग ओपनिंग देखें कहाँ मार्केट ओपन हुआ, 7680 के आसपास में हुआ, इसका राउंड फिगर कर लेंगे हम लोग। राउंड फिगर करने के बाद क्या आया हम लोग को, क्या आया 17700 C, 17700 P। 7780 क्यों हुआ, क्योंकि 7650 के ऊपर यदि ये रहता 45 रहता 23 रहता ऐसा रहता तो फिर 650 ऐसा रहता। ये तो साइम आ गया ना, ठीक है एक बार मैं चेट और ओपन करके पूछ लेता हूँ, ये साइम आ गया समझिए सब कुछ साइम आ गया। ये आप लिख सकते हैं साइम आ गया ना, ठीक है। आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग से पूछते हैं, जैसे ओपनिंग रहता आपका 17520 तो क्या होगा हमारा स्टॉक प्राइस 17520 रहता है, नहीं नहीं 25 के नीचे है तो 17200 ही होगा, 17500 ही होगा ना। कहाँ सीखा यार तुम लोग, मतलब आप लोग सॉरी आप लोग बड़े लोग बुजुर्ग लोग, ठीक है दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि निफ्टी ओपनिंग हुआ है आपका क्या बोलते हैं कि 17699 क्या हो जाएगा, गुड वेरी गुड है ना, ओके। और निफ्टी मान के चलिए ओपन होता आपका 18210, तो क्या होगा, क्लियर सही है। 250 कैसे होगी, 250 कब होगा, जब ऐसे होगा जब जैसे 18145, तो क्या होगा 18145 क्या हो जाएगा 150, क्लियर। आप जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका 17945 तो क्या हो जाएगा 950, सिंपल सर, मतलब इतना तो कर सकते हो ना, मतलब निरेस्ट लेना है ठीक है, जितना भी जो निरेस्ट होना है, ओके। तो ये क्लियर हो गया ना सीपी, गॉट इट ठीक। और एक और लास्ट एग्जांपल जैसे 18035 क्या होगा, 18035 क्या होगा स्टॉक प्राइस 18035, क्योंकि 25 के ऊपर है तो 50 होगा ना, स्ट्राइक प्राइस सही होगा तभी प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ ठीक है, जैसे आप नहीं समझा जैसे और एग्जांपल लेते हैं आपका ये 18175 क्या होगा, 18175 200, अरे इतना स्मार्ट लोग है यार सब है ना, चलो ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओके गॉट इट ठीक है। और एग्जांपल लेने की जरूरत है या हो गया, मतलब अच्छा ऐसा सिखाना पड़ रहा है आपको, ये डन ना, डन ओके। अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं आपका 16851 क्या होगा, सिंपल सर, चलो ठीक है। अब मैं चेड ऑफ करूँ दोबारा हम लोग आते हैं ना, नहीं ना लादने का चिराग नहीं बता रहा, मतलब लेकिन ये है कि सुपर शूट प्रॉफिट होगा कम से, ठीक है इंस्टाग्राम चेक कर लेना रहा मेरी माँ, ठीक है यहाँ सीख ले भाई अभी पहले इंस्टाग्राम चेक कर क्या ही बोल कर लेंगे भाई, जो भी आए लगी मैं तो भेजा देख लेंगे, ठीक है। ये हैदराबादी है भाई, ठीक है कितने लोग हैं अभी भाई, ठीक है 2500 चलो। हाँ ये डेली करना है, केवल फ्राइडे को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, लेकिन डेली स्कैल्पिंग के लिए डेली कर सकते हो ठीक है, फ्राइडे को थोड़ा सा प्रीमियम, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए यू कैन, स्कैल्पिंग में क्या करना है फ्राइडे को क्या करना ठीक है, टाइमिंग क्या है बाई कितना बजे करना है 9:25 को करना ठीक है। आप
ध्यान से सुनना ठीक है, ये जो 2 मिनट जो बात करने जा रहे हैं अभी, जो 2 मिनट हम लोग लिख नहीं सकते हैं, फिर रिकॉर्डिंग सुनेगा उसको फिर ज्यादा समय मार दो कुंडे रे मार स्ट्राइक प्रेस तो हमारा आ गया 17700 ठीक है। अब क्या है कि नहीं लोग यार रे दी हम लोग जो बाइक कौन सा बाइक करेंगे ठीक है, देखना है 920 हाँ एक ठीक है मार्केट ये 680 के ऊपर है या 680 के नीचे है ठीक है, 680 के ऊपर है या 680 के नीचे, जब तक आपका ये सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक आपका 17 या 680 ऊपर है तो हम लोग सी में ही स्कैल्पिंग करेंगे, पी में नहीं जाएंगे ठीक है। पी में हम लोग कब करेंगे जब हमारा 680 के नीचे क्लियर, ये क्लियर हो गया ना, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, जैसे हम लोग स्टाइल प्रेस तो क्लियर कर लेंगे 17700 C 17700 P ठीक है। अब हम लोग सी का बाइक करेंगे, देखना है 925 को ये 680 के 680 के यदि एक पॉइंट के ऊपर रहेगा ना तो हम लोग सी ही बाइक करेंगे ठीक है, 680 के ऊपर रहेगा तो हम लोग पी बाइक करेंगे, पी नहीं। इस जनरली होता क्या है ना स्कैल्पिंग में लोग जो लॉस जो करता है ठीक है, इवन मैंने भी लॉस किया है, गलत ट्रेंड में चला जाता है, गलत ट्रेंड में जैसे HDFC कभी कभी क्या होता है उल्टा पुल्टा बताता है, कभी मिक बताता है, कभी मिक भी डाउन है, कभी ये डाउन है, कभी वो डाउन है ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से आप विथ कॉन्फिडेंस आप कर सकते हैं ठीक है। 680 है तो जब तक 680 के ऊपर रहेगा तब हम लोग सी में ही स्कैल्पिंग करेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा 17700। पी कब करेंगे ठीक है, जब 680 के नीचे ट्रेड करने लगेगा ठीक है, तब हम लोग ये पी में करेंगे, कौन सा स्ट्राइक रहेगा 17700 P ओके। एक बार मैं ये पूछ ले रहा हूँ, ये चीज़ समझ आ गया, ये बात समझ मार के दिमाग में घुस के भेजा में घुस के सही मार गया ना, जब तक 17680 के ऊपर है तब तक हम लोग सी में ही करेंगे ट्रेड, पी में नहीं करेंगे, चाहे हमारा बैंक निफ्टी ऊपर बताए नीचे बताए कुछ ही बताए, बस हमको यही यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है, ओपनिंग है हमारा सबसे बड़ा इंडिकेटर है। क्लियर क्लियर ना, मजा आ रहा है क्लास में, आप लोग बोल नहीं हो रहे ना, जैसे 680 नीचे जाने लगे तब वहाँ पे हम लोग पी एम ट्रेड ओके। ज़्यादा गैप अप हो, फ्लैट मार्केट हो, कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं कुछ, जब बस हम लोग को ओपनिंग देना है, अभी अभी जीना है यार ठीक है, प्रेजेंट में जीना है ओके। मुकेश नेगी सबका नाम लेने लगे तो फिर शाम हो जाएगा मेरा ठीक है, देखो मैं दिल से बता रहा हूँ ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको डेमो क्लास दूँ फिर आप कोर्स ज्वाइन करो, ये हमारा मकसद है ही नहीं, कोर्स ज्वाइन कीजिएगा वो आपका मर्जी है ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि अभी मैं सिखा रहा हूँ ठीक है, इससे बेटर हम वो सीखेंगे ठीक है, ठीक है अभी हम लोग ये सीख लेते पूरा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओके ठीक है। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा ऑफ करते हैं, देखो बीच में हम ऑन करें ताकि आप लोग बोर नहीं हो ठीक है, क्योंकि हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए हैं अरे यार फिर लेते ही प्राइस नीचे आ जाएगा तो मतलब मान लेते पहले बहुत मान जाओ ठीक है, क्यों नीचे आएगा, स्टॉप लॉस है ना हमारे पास है ना, ट्रेड लेते ही प्राइस नीचे आ जाएगा, यही यही चक्कर में लोग तो ट्रेड करता नहीं, उसके बोलेगा अरे ये तो जैकपॉट हो गया, ये तो ये हो गया ठीक है। अभी हम लोग जो सीखे ना उसको हम अप्लाई कर लेते हैं, जैसे आज मार्केट है, मार्केट ओपन हुआ 17680, इसके हिसाब से दो हमारा स्टाइक प्राइस रहेगा 17700 C 17700 P, ये है क्या है करना, करंट मार्केट प्राइस में करना, करंट वीकली एक्सपायरी में करना ठीक है, 17700 C 17700 P ठीक है। अब हम लोग ट्रेड कितने बजे करना है, 9:25 को करना, 9:16 में नहीं पूछा, 9:26 को करो, लेकिन 9:25 में यह ऑर्डर आप मार सकते हो ठीक है। तो 17000 देखते हैं ये 10:25 को कहाँ था मार्केट, उसके ऊपर था, मतलब इसके ऊपर ही है मार्केट है ना, 17700 के ऊपर ही, यहाँ पे पता ना चार्ट वगैरह आप लोग देखने आता है, नहीं देखने आता तो अब मैं बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँ ठीक है, और यदि मैं आपको दिखाऊँ ठीक है कि 9:25 को कितना, 9:25 यहाँ पे आप बाइकिंग, तो यहाँ पे क्या चल रहा है 17000, यहाँ पे देखिए 17723 के मतलब हमारा क्या है 17000 7680 के ऊपर ही है, 7680 के ऊपर ही है, तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बाइक करेंगे ठीक है। अब ये देखना है कि 925 के बाद वहाँ पे प्राइस क्या था,
और वो हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो टारगेट हिट हुआ, ठीक है। नाइन ट्वेंटी फाइव था ठीक है और ये देखिए पूरा जो लाइन देख रहा है ना, ब्रेक लाइन 93 के ऊपर ही रहा, ठीक है। और ये गया कितना 130 तक, है ना। हम लोग तो टारगेट ले रहे हैं 20 पॉइंट ही, लेकिन आपको मिला कितना, आपको ये 30 पॉइंट मतलब 40 पॉइंट मिल गया, ठीक है, 40 पॉइंट मिल गया। तो आप स्टार्टिंग में आप 20 पॉइंट बुक करो, 10 पॉइंट बुक करो, लेकिन आप ये जो रूल फॉलो कीजिएगा, ठीक है, तो आपको ये हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप भले एंट्री आप 5 पॉइंट ऊपर ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ऊपर ले लीजिए, लेकिन इसके नीचे देखिए कभी आया ही नहीं, देखिए इसके नीचे कभी आया ही नहीं, है ना। तो एग्जांपल भी दे दूंगी, एक बार तो पूछ लेता हूँ, समय में आया, समय में आ गया। हेलो हेलो, क्लियर। पानी पी लेता हूँ। आप एक और एग्जांपल हम लोग पूछ लेते हैं कि जैसे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बिहार से नहीं झारखंड से, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, कितना तारीख था, 3 तारीख को किसी भी दिन देख लो, ठीक है। अरे ये स्टाइल प्रेस है, हम निफ्टी का देखना है, आप लोग शक्कर में कंप्लीट स्टार्ट वाला देखना नहीं है, ठीक है, सिंपल सा मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ओके। अब जैसे ये देखते हैं हम लोग का, ये क्या बोलते हैं कि 3 तारीख को देखते हैं, 17,485, ठीक है, 17,000, तो 425 स्टैक प्राइस तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, TP, ओके। 3 तारीख का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और मार्केट 925 को देखना है, 925 को 17,450 के ऊपर ही है, तो हम लोग क्या करें, 17,450 टी बाई कर, ठीक है। अब वहाँ देखना है कि हम लोग को प्रॉफिट दिया कि, ठीक है, 17,403 को, और यहाँ पे हम लोग एंट्री लिए 925 को 98 से किया है, 300 400 आपको चाहिए कितना, क्लियर। और भी एग्जाम्पल है ना तो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, और भी एग्जाम्पल सही में आ गया, और कुछ बताने की जरूरत है इसमें, क्यों अमित पंडित जी के लाइट तो पता है, पूरा क्लियर सही में आ गया, अभी इतना स्लो कैसे आ रहा है, थिएटर स्पीड आना चाहिए, कोई टाइम फ्रेम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल से मैं आपको समझ गया, ओपनिंग देखना है, मान लो ओपन हुआ, लॉन्च कर देना है, ठीक है, 925 को देखना है कि ओपनिंग ऊपर है कि नीचे है, ठीक है, ऊपर है तो सी बाय करना है, ओपनिंग के नीचे है तो पी बाय करना है, ठीक है। लैंडिंग मार्केट है, कुछ भी है, आपको आराम से 20 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा, ओके, क्लियर। एक्यूरेसी आपका 80% लिख के दे दूँ, एग्रीमेंट करके दे दूँ आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं सच में मैं यही यूज़ करता हूँ स्कैल्पिंग का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये जो बॉस स्कैल्पिंग इंडिकेटर है उसके बारे में, मतलब हम लोग ये सीखते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। दिस इज श्रीनवास फ्रॉम हैदराबाद, ओके भाई, ठीक है, अभी यहाँ पे सीख लो भाई कुछ, ठीक है। आप हैंडीकैप्ड हो या कुछ हो, इफ यू हैव एजुकेशन यू कैन वर्क दिस वर्क, ठीक है, इफ यू डोंट हैव एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग। हैंडीकैप्ड वही जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास एजुकेशन है वो कुछ भी कर लेगा जिंदगी में, है ना, कुछ भी कर लेगा, है ना। हाँ, एक्सपायरी दिन में केवल जहाँ पे मिलेगा स्टैक प्लस आपको 30-40 का, वहाँ पे वो 70-80 में लेना, 80 प्लस माइनस कर, ओके ओके। अब हम लोग बॉस स्कैल्पिंग इंडिकेटर के बारे में चेक करते हैं, अभी भी बात करना, अरे यार गर्लफ्रेंड भी सऊदी अरबिया, ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, हम लोग इसी में रहें, कुछ आगे सीखें हम लोग,
ओके आगे बढ़े हम लोग। चलो चैट ऑफ कर दिए, अब हम लोग आ जाते हैं। ये इसमें आ जाते हैं हम लोग बॉस स्कैल्पिंग में। ओके इसमें भी ना टाइमिंग है, इसमें देख रहे होंगे बहुत बार सीपी, बहुत बार सीपी बोल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी बाय हुआ, ठीक है, तुरंत ऊपर बी बाय हुआ, तो यहाँ पे सी ऐसे ही सिग्नल आते ही सी बाय नहीं करना, ये कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे आपको सी एंट्री लेना है, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा फॉल्स एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट पी नहीं बाय करना है, ये तो 12 बजे वाला, यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना, फिर यहाँ से आपको यहाँ कितना मिला, इतना से इतना पॉइंट मिला, ठीक है। तो नॉर्मली जो ये मॉर्निंग में आपको करना है, या यहाँ पे डायरेक्ट पी ओपनिंग में नहीं बाय कर लें, यहाँ पे पी बाय करेंगे 17,550 से 17,100 पॉइंट मिला, हो गया, है ना, सिंपल। इसका जो सबसे जो अच्छा चीज़ जो काम करता है, सबसे अच्छा चीज़ मतलब जो आपको ये जैकपॉट मिल जाए मॉर्निंग में, यदि आपको 9:05 में यदि ना, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए कितना सारा कन्फ्यूजन है, वहाँ पे नहीं करें, जब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कैंडल बना, फिर यहाँ से नीचे, फिर वहाँ पे स्कैल्पिंग। उसी तरह यहाँ पे जैसे यहाँ नहीं बाय करें, यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए 20 पॉइंट, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे पी तुरंत बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ से पी, ठीक है। उसी तरह से मतलब एक्यूरेसी मतलब 80% 90%, ठीक है इसका, है ना। उसी तरह बहुत सारा है, जैसे यहाँ पे तुरंत सी नहीं बाय करें, यहाँ पे सी बाय करेंगे 17,350 से 380 चला गया, ठीक है। यहाँ पे पी नहीं बाय करेंगे, एक नीचे आएगा तो वहाँ पे पी बाय करेंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि और ये टाइम है तो करना ही नहीं, ठीक है, 12-13 बजे, ठीक है, वो टाइम पास कर दें। यहाँ पे पी नहीं बाय करेंगे, यहाँ पे पी बाय करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पी बाय करेंगे। आप देख रहे होंगे जब भी ये सिग्नल दिया, जिसको चार्ट से प्यार है तो वो यूज करो, ठीक है, उसके लिए ये है ना। आपका कोई भी ट्रेडिंग वे का प्रीमियम होने की जरूरत नहीं, मैं आपको सोर्स कोड दूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर मतलब हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये साइम आ गया, कैसे यूज करना है एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये साइम आ गया, कैसे यूज करना है। ओके किसी भी चीज़ का चेक कर दिया मिलेगा, ठीक है। टाइम फ्रेम 5 मिनट, हाँ वहाँ लिखा हुआ है टाइम फ्रेम 5 मिनट, ठीक है, ओके। कौन सा इंडिकेटर लिखा हुआ है, पी ओ सी स्कैल्पिंग, ओके। नहीं सेटिंग सिंपल सा है भाई, ये कॉपी पेस्ट करके आपको दे देंगे, चैट में मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में, जी जेरोडा में नहीं मिलेगा आपको, ट्रेडिंग भी मिलेगा, ओके। ये जो एंट्री का मैंने जो कंडीशन बताया, जैसे ही पी सिग्नल दिया, एक और नीचे कैंडल बना, वहाँ पे पी बाय कीजिएगा, फिर आप ये कर लेते हैं, ओके। ये हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है, ये डेमो था, सब फीचर यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए हमारा, हम लोग यूज नहीं करते, टीम में यूज करते हैं, जैसे यूज करना हो आप कर सकते हो। छोड़ दो अभी, बंद कर दिया। अभी हम लोग ये सीख नहीं रहे हैं ना कि ये क्या बोलते हैं कि हाँ, इसका जो सबसे जो अच्छा चीज लगता है ना, यदि मॉर्निंग में ही आपको 9:15 में यदि सी बाय का सिग्नल दे दिया है ना, तब आपको सेकंड कैंडल का वेट करने की जरूरत नहीं है, तब आग बंद करके आप 50,000 क्वांटिटी बाय कर लो और आपको 30 में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इधर भी देखे होंगे, ठीक है, यहीं पे सही बाय करने बोल दिया, ठीक है, और यहाँ से भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा, जिस दिन ऐसा होगा तो उसके हिसाब से क्या है ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा, है ना। सिंपल सा है कि जैसे बाय सिग्नल बी बाय सिग्नल देगा तो स्ट्राइक प्राइस हमेशा हुआ 100 के ऊपर रखना है, 100-120 के बीच में, स्टॉप लॉस आपको 20 पॉइंट, टारगेट आपका वही 20.1:1 रखना है, ये सिंपल सा है। अब ये इंडिकेटर मिलेगा क्या, इंडिकेटर आपको ये क्या बोलते हैं कि इसका जो सेटिंग है कैसे करना है, 1 मिनट का वीडियो है, आप कोई भी ट्रेडिंग व्यू में आप डालिएगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आज का ये डेमो क्लास खत्म हुआ, अब बात करते हैं कि ये पेड जो वर्कशॉप जो क्लासेस है 3 डेज का क्लासेस, ठीक है, उसमें टोटल 5 स्टेज सीखा जाएगा, जो अभी सीखे हैं
उससे 5 times बेटर, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि चार्जेस 9000 था रनिंग के थे हम लोग, लेकिन चार्जेस ओनली 2400 है, ठीक है। और ये ओनली फॉर 1000 पीपल है ना। और दूसरा ये है कि मतलब जो फर्स्ट 51 लकी मेंबर जो रजिस्टर करेगा, ठीक है, अभी लिंक पर हमें उनको एक स्मार्टफोन, ठीक है, मतलब स्मार्टफोन बिटवीन 10000 आईफोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो फॉल्स प्रॉमिट ने प्रॉमिस नहीं कर सकता, बाकी ये इंडिकेटर मिलेगा तो लाइव ट्रेडिंग होगा। लाइव ट्रेडिंग मीन्स जो कोई फीस है वो रिकवर हो जाएगा, साथ में आप लर्निंग मिलेगा, साथ में अर्निंग मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल सा भी है। बाकी आज का कैसा क्लास लगा, ठीक है, आप लोग ट्विटर में बता सकते हो, ठीक है। इट्स सिंपल, मैंने जो सिखा दिया एक बार मैं समरी कर दे रहा हूँ ताकि जो लेट से ज्वाइन किया होगा उसको समझ में आए। तो सिंपल सा इस टाइप पर पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसके हिसाब से राउंड फिगर करना है, ठीक है, उसके हिसाब से जो ओपनिंग है उसके ऊपर जब तक ऊपर है तब चाहे कोई भी स्टाइप प्रेस ले सकते हो, ये तो इजी करने के लिए कोई भी स्टाइप प्रेस, मतलब आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी स्टाइप प्रेस ले सकते हो। 100 का जब तो हम लोग सी बेस लेते हैं, पी कब करके जब 6% नीचे आ जाएगा। एंट्री का टाइमिंग क्या होगा हमारा 9:25 का। स्टाइप प्रेस रेंज कितना होना चाहिए, 75 to 100, ऑलमोस्ट वही के आसपास मिलता है। टारगेट क्या हो जाएगा हमारा 20 point, बाकी प्रॉफिट को टेल अभी 20 point रखेगा। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा हमारा 20 point फिक्स है, या तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा जैसे 680 के नीचे जाएगा तब हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट 90 days में आपके पास 50,000 कैपिटल है तो 2 lots से करो, उसके बाद आप मैक्सिमम कर सकते हो 4 lots से। ये सिंपल है। एक्यूरेसी क्या है इसका, ठीक है, स्कैल्पिंग करने का ये जो एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे, आपको स्कैल्पिंग मारे ना वो आप 10 point स्टार्टिंग मिलेगा, खुश हो जाएगा, ठीक है, कल ही आप प्रॉफिट कर लीजिएगा। ये मेरा आशीर्वाद समझे जो समझे, ठीक है, कड़ी प्रॉफिट कर लीजिएगा। और क्या बोलूँ, और कुछ है इसमें डाउट तो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट यू कैन आस्क। बाकी इंडिकेटर मिल जाएगा। अभी जो हम लोग सीखे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ये कोई डाउट है, इंडिकेटर जो अभी जो कोर्स है ना वो खरीदने के बाद मिलेगा, है ना, सिंपल सर, ओके। उसमें 3 days का लाइव ट्रेडिंग भी होगा और आपका 5 to 6 days चार्जेस 9000, लेकिन अभी प्लान ये होली के लिए है ना, लिंक अभी मिल जाएगा। अभी अभी ये बताना भाई, जो सीखा होली मारो कोर्स को, ठीक है, अभी जो आप सीखें वो समझ में आया आपको, हाँ, इंडिकेटर लाइव टाइम क्लास मजा आया आपको, बोर तो नहीं हुए आप, बोर हो गया तो भैया तो दिमाग दिला सकते, हाँ, रिकॉर्डिंग भी रखती हैं ताकि ये भी जो सीखे हैं ना वो भी हम लोग डाल देंगे, ठीक है, वो आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलो बाकी होली मनाओ, ठीक है, काफ़ी इन्जॉय की, और नॉलेज ऐसा चीज़ है ना जो बांटने से कभी भी घटता नहीं, ठीक है, आप भी किसी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही वीडियो के 2-4 को बेचने में। थैंक यू, बाय, नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।